हरे कृष्णा आप सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी ओर से आप सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर क्या आप सभी जानते हैं कि गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव के बाद गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। गणपति विसर्जन जो कि हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के दिन लोग धूमधाम और पूरे आदर सत्कार के साथ घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं। ये स्थापना 1.5 दिन, 3, 5, 7 या 10 दिनों के लिए होती है। फिर विधि विधान के साथ 10 दिन उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या जानते हैं कि बुद्धि के देवता कहे जाने वाले गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा के बारे में। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित किया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी का शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबो दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। अगर आपने भी अपने घर में गणपति जी की स्थापना की है तो विधि विधान के साथ उनका विसर्जन ज़रूर करें। विसर्जन के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर भगवान गणेश जी की पूजा करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश जी की आरती व मंत्र पढ़ें। फिर एक चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा को रखें और वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद उनका विसर्जन कर दें। ध्यान रखें कि विसर्जन एक झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी अधिक वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।